सो हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिक सवाल। देखो जैसे एक UP2 की लेटेस्ट अपडेट आई हुई है, जैसे आप लोग UP2 को ऑफिशियल वेबसाइट जब खोलोगे तो यहाँ पे upsw.tectonic पे देख सकते हो कि भाई 2020 में फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई है वो किस कॉलेज का कितना क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक है। इसलिए सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी अपडेट चैनल पर हमारी आती रहेंगी। पेज खुल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पे एक लिंक आ चुका है भाई, कि जैसे इससे पता चल सकता है आपको कि 2020 में जो अभी काउंसलिंग हुआ है फर्स्ट राउंड का, मतलब कौन से कॉलेज का कब क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बेस्ड ऑन ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। जो आपका ऑल इंडिया रैंक पे जो 2020 में जो अभी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया हुआ है, कौन से कॉलेज का कब ओपनिंग कितने रैंक पे और क्लोजिंग किस रैंक पे हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा। देखो यार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको इससे एक आइडिया लगेगा भाई कि हमको इस कॉलेज में मिल सकता था और अगले राउंड में आप उसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन करोगे। जैसे मान लो सिलेक्ट राउंड नंबर वन, तो राउंड नंबर वन हुआ ही, अभी दो तो हुआ नहीं है। अब देखो जो कॉलेज का आपको देखना है, ठीक है, तो हम भाई किसी भी कॉलेज का देख लेंगे। जैसे मान लो देख लेते हैं कोई भी, यहाँ पे देखो जैसे हमको तो कॉलेज का कोड आप लोग देख सकते हो, कॉलेज का कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं कोई भी एक जो अच्छा सा मिल जाए, जिसका हम लोग नाम सुने हो। चलो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ ले लेते हैं फार्मेसी का। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट प्रोग्राम भी फार्मा के लिए कॉलेज है हिमालय। किसी भी कॉलेज का आप चेक कर सकते हो अगर आपको कोड पता है, नाम पता है। जैसे यहाँ पर फार्मेसी के लिए देख सकते हो, तो चलो फार्मेसी के लिए FW सीट के देख लेते हैं भाई कि क्या हुआ है इस कॉलेज में, ठीक है। तो यहाँ पे जब आगे बढ़ोगे, सबमिट का ऑप्शन दबाओगे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ खुल जाएगा भाई, कितने रैंक पे क्लोजिंग हुआ है। इस पे देखो FW सीट पे हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग को चॉइस फिलिंग करना है। जहाँ पे सीटें कोई खाली हैं तो वहाँ पे जाके तुम क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे मान लो हम किसी और कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेज हैं, जैसे जो कोई जान पहचान कॉलेज मिल जाए, क्योंकि यार UP2 में बहुत सारे कॉलेज होते हैं ना आपको, जिसका जैसे KNIT सुल्तानपुर हमको मिल गया, ठीक है। अब देखो KNIT सुल्तानपुर का कोड आपको पता चलेगा, KNIT सुल्तानपुर में। अब आपको देखना है कि भाई CS कितने रैंक पे क्लोज हुई थी। तो यार ये KNIT सुल्तानपुर का बस यही क्यों आ रहा है। चलो यार बैचलर फार्मेसी देख लेते हैं। तो यहाँ से जब सबमिट का ऑप्शन दबाओगे तुम KNIT सुल्तानपुर में, तो देखोगे यहाँ पे कि भाई कितना पर हुआ है। तो देख सकते हो KNIT सुल्तानपुर फार्मेसी के लिए 725 से 3387 जाते जाते क्या हुआ है, क्लोज हो गया है। तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा भाई, हाँ भाई इस रैंक में गर्ल्स के लिए सबके लिए अलग दिया हुआ है। सब लोग यहाँ से जाके कर चेक कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय एवरीवन, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब माय चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सारी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर आती रहती है। यहाँ पे राउंड नंबर वन कॉलेज का नाम और प्रोग्राम का नाम डाल के सबमिट कर देना, ठीक है। तो बाय गाइस।